डिस्प्ले की थोड़ी सी लाइट वगैरह में इश्यूज़ आ चुकी है 5 साल यूज़ करने के बाद। ये कि जो है वो क्या अच्छी चीज़ है क्या बुरी चीज़ है हर चीज़ जो है डिटेल्स में बात करेंगे। MARQ कंपनी के एसी पे ट्रस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और ये एक्चुअली में मैंने एक एसी नहीं एक साथ मैंने 2 एसी लिया था, ठीक है। पहली जो है वो आपको दिख रहेगी ये है और दूसरी वाली ये है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। ये आप देख सकते हैं, ये आपके सामने जो है वो दिख रहा है MARQ कंपनी का एसी, जो कि मुझे यूज़ करते हुए करीब 5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। और ये एक्चुअली में मैंने एक एसी नहीं एक साथ मैंने 2 एसी लिया था, ठीक है। पहली जो है वो आपको दिख रहेगी ये है और दूसरी वाली ये है, ठीक है। दोनों आपने देख लिया। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये जो MARQ कंपनी का एसी आता है वो आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यूट्यूब पे अगर आप इसके रिव्यू वगैरह चेक करेंगे तो काफ़ी मिक्स टाइप्स के रिव्यूज़ जो है वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। कुछ लोगों का तो कहना है कि अच्छा है, पर कुछ लोगों का मानना है बुरा है। तो काफ़ी सारे जो है ना कन्फ्यूज़न लोगों को क्रिएट हो जाता है। तो अगर आप भी एसी लेने की सोच रहे होंगे तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप किए, क्योंकि इस एसी की जो है वो क्या अच्छी चीज़ है क्या बुरी चीज़ है हर चीज़ जो है वो डिटेल्स में बात करेंगे। और आपको MARQ कंपनी के एसी पे ट्रस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक है। सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करें। ये देख लीजिए, ये जो था आपकी एसी, एक्चुअली में ये एसी जो है वो मैंने 5 साल पहले ख़रीदा था और ये जो है वो 5 स्टार रेटिंग के साथ आई थी, ठीक है। उस वक्त जो है कुछ ब्रांड जो है वो नया नया सा मार्केट में था, तो मैंने जो है वो ऐसे रिस्क लेकर के जो है उस वक्त इसको लिया था। और आपको मैंने पहले ही दिखाया था कि एक्चुअली मैं एक नहीं मैंने 2 एसी लिया था। और दोनों अगर एसी की बात करें फ़िलहाल यूजेज़ में, तो अभी तक जो है वो मुझे किसी भी प्रकार की कोई भी जो है वो इश्यूज़ नहीं आई हुई है। अभी तक जो है वो ये एकदम परफेक्टली काम कर रही है। आज तक जो है वो इसके अंदर एक भी जो है वो मुझे मतलब कंपनी की तरफ से जो है रिपेयरिंग वाली चीज़ें नहीं है। नॉर्मल जो सर्विसिंग होती है एसी की मैंने वही कराई है। उसके अलावा आज तक जो है वो एसी में कोई भी प्रकार की जो है वो दिक्कत नहीं आई है। तो आपको मैंने दिखा दिया यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो है यहाँ पे मेंशन आपको मिल जाएगा MARQ बाय फ्लिपकार्ट इनोकूल 100% कॉपर कंडेंसर हिडन डिस्प्ले टर्बो कूलिंग 5 ईयर्स कंप्रेशर वारंटी। और यहाँ पे आपको हम रेटिंग वगैरह भी दिखा दें तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा। ये जो है वो 2000 आपको दिखा दें हम, देखिए 2018-19 की रेटिंग है। इसके लिए मैंने जो है उसको 2019 में ही खरीदा था। तो लगभग 5 साल हो चुके हैं। उस वक्त जो है 5 स्टार थी, पर आप हर साल जो है ना रेटिंग वगैरह में जो है वो चेंजेस आते हैं। तो ये जो है वो उस वक्त की 5 स्टार थी, पर आज के हिसाब से इसको 3, साढ़े 3 के आसपास जो है मान सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो आपको एसी कुछ इस टाइप से है, ठीक है। अब जो है वो बात कर लेते हैं इसकी सर्विस की ना, मतलब इसके रनिंग की। तो देख सकते हैं कुछ इस टाइप से जो है वो इसकी रिमोट आपको देखने के लिए मिलती है, ठीक है। इसमें कुछ इस टाइप से फंक्शंस देखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहला जो है वो ये है स्टार्ट बटन। जैसे ही आप स्टार्ट बटन प्रेस करते हैं, ये देखिए आपके सामने जो है वो कुछ इस टाइप से एसी के जो इंटरफेस आ चुके हैं। अगर इसकी ख़राबी की बात करें तो आपको बीच में हम दिखा दें, ठीक है। ये जो थोड़ा सा इसका जो है ना ये डिस्प्ले वाला ये 29 है, पर नीचे जो है ना ये डिस्प्ले की थोड़ी सी लाइट वगैरह में इशूज़ आ चुकी है 5 साल यूज़ करने के बाद। ये एक्चुअली में 1 साल पहले आई हुई, तो लगभग जो है वो 1 साल पहले 4 साल में जो है इसके डिस्प्ले में ये प्रॉब्लम एक आ चुकी है। और सेकेंड सेम टू सेम मेरे दूसरे वाले में भी यही इशू है। आपको ये देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं इसके भी डिस्प्ले में जो आपको दिक्कत आ रही है। यहाँ पे देख लीजिए 27 पे ये सेट है, ठीक है। और 27 पे सेट होने के बाद जो है यहाँ पे देख लीजिए डिस्प्ले में कुछ इस टाइप से दिखा रहा है, ठीक है। देखिए इसको अगर हम लोग कम ज़्यादा करते हैं, ठीक है, 26, 7, 8, ठीक है। तो डिस्प्ले में जो है वो इसकी दोनों की दिक्कतें आई है। तो आप देख सकते हैं इसके दोनों डिस्प्ले में जो है वो प्रॉब्लम आई हुई है। तो ये मान सकते हैं कि इसकी डिस्प्ले में तो प्रॉब्लम है भाई, क्योंकि एक में अगर इशू आता तो मान सकते थे कि चलो हो सकता है बाई चांस हो सकता है, पर दोनों में सेम इशूज़ आए हैं। तो ये जो है वो आप समझ सकते हैं कि इसकी डिस्प्ले में थोड़ी सी तो इशू ज़रूर है, ठीक है। तो अब जो है वो हम यहाँ पे अगर बात करें इसके बाकी फीचर फंक्शंस के बारे में, तो उसके अलावा जो है आपको हम बता दें कि ये एसी जो है वो एकदम परफेक्ट चलती है। ये डिस्प्ले को अगर साइड हटा दें तो इसके अंदर आपको दूसरी किसी भी प्रकार की इशूज़ देखने के लिए नहीं मिलती है। बात करें इसके फीचर्स फंक्शन इसमें क्या क्या मिल जाते हैं, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखा दें, ये देखिए यहाँ पे इसको मिलता है एक मोड, ठीक है। हाँ, आप देख लीजिए मोड। जैसे ही आप मोड पे प्रेस करिएगा ना, देखिए ये सबसे पहले आप रिमोट में देखिए ये ऑटो हो गया, ठीक है। यानी कि ये जो है वो ऑटोमेटिक काम करेगी। ऑटो मिलता है, कूल मिलता है, ड्राई मिलता है और फ़ैन मिलता है। ऑटो में आपकी जो है ऑटोमेटिकली सारी चीज़ों को मैनेज करके चलेगा। कूल में जो है वो आपको जो है वो ज़्यादा ठंडी देने का काम करेगा। ड्राई है, अगर बाहर बारिश वगैरह हो रही है तो ड्राई कर दीजिए तो आपके रूम को ड्राई रखेगा। और फ़ैन में एसी बंद हो जाएगी, केवल फ़ैन इसका चलेगा, ठीक है। इसके अलावा राइट साइड में आपको दिख जाएगा, यहाँ पे जो है वो आपको हम दिखा दें, ठीक है। फ़ैन में भी देखिए ऑटो है, लो है, मीडियम है, हाई है, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा स्पीड फ़ैन की चाहिए तो हाई पे कर लीजिए, कम चाहिए तो लो पे कर लीजिए, और नॉर्मली जो है इसको ऑटो पे सेट करके रख सकते हैं। यहाँ से जो है वो इसके टेम्परेचर को जो है वो बढ़ा घटा सकते हैं। तो इसको देखते हैं, अगर मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें तो 30 डिग्री तक जाती है, और अगर इसके मिनिमम टेम्परेचर की हम लोग बात करें तो वो जो है वो 16 तक आती है। ठीक है, 16 से जो है वो 30 के बीच की जो है टेम्परेचर आप इसमें मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है वो एक स्विंग का बटन है। तो जैसे ही आप इसको स्विंग को प्रेस करते हैं ना, देखिए इसकी जो है अंदर की जो स्विंग है ना वो जो है वो काम करना शुरू कर देगी। ठीक है, देखिए ये आपको दिख रहा होगा, इसमें जो है वो स्विंग वगैरह का जो फीचर्स है वो चलना लग गया। ठीक है, ये देख सकते हैं ये जो है वो स्विंग कर रहा है ऊपर नीचे ऐसा करके। ठीक है, स्विंग के बाद अगर हम लोग देखें तो ये जो एनर्जी सेवर, अगर एनर्जी सेवर पे आप क्लिक करते हैं तो ये जो है आपको काफ़ी मतलब एनर्जी सेविंग में चाहिए। गवर्नमेंट की तरफ से एक रूल आया था कि एसी में जो है वो एनर्जी सेविंग देनी चाहिए, जिससे जो है ये काफ़ी लो पावर पे जो है वो नॉर्मल कंप्रेसर लोड के साथ ये चलता है। ठीक है, इसके बाद जो है टाइमर ऑन, अगर टाइमर ऑन कर देते हैं तो आपको ये टाइमर के हिसाब से चलेगा कि कितने देर तक आपको चालू करना है, वो सारी चीज़ें जो है इसमें सेट कर सकते हैं। यहाँ पे एक डिस्प्ले का फीचर आता था, देख सकते हैं ये जो डिस्प्ले बीच में दिख रही है ना, जैसे ही आप ये देखिए डिस्प्ले पे प्रेस करेंगे ये डिस्प्ले जो है वो बंद हो जाती है। अगर रात को आपको अगर लाइट से दिक्कत आ रही है तो इसको ऑफ कर दीजिए, नहीं तो इसको ऑन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से क्लॉक वगैरह देखिए, यहाँ से टाइमर ऑफ। यहाँ पे एक स्लिप मोड भी आती है, जो कि अगर स्लिप मोड आप प्रेस करके सो जाते हैं रात को ये काम आता है। अगर आप स्लिप मोड पे जैसे कि आप 22 डिग्री टेम्परेचर करके अगर सोते हैं स्लिप मोड ऑन करके, तो ये जो है वो हर घंटे जो है वो 1 डिग्री टेम्परेचर जो है लोसा करते जाता है, ताकि जो है वो आपकी जो है नॉर्मली जो है वो नींद बेटर हो सके। और नींद में लोगों को ज़्यादा ऐसा वो रहता नहीं है ना, तो एक ही टेम्परेचर पे तो पावर सेविंग वगैरह जो है यूज हो सके, इसलिए जो है वो इसको दिया जाता है फीचर्स को। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आपको देख सकते हैं बाकी रिमोट की सारी फीचर्स जो है मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दिए। टाइमिंग वगैरह भी शो करती है, बीच में ये जो है इसका टेम्परेचर वगैरह शो करता है, बाकी साइड में फीचर्स शो करते हैं। ठीक है, बाकी सारे जो है वो कुछ प्रिकॉशंस वगैरह दिए गए हैं। और बाकी ये जो रहा एसी, ठीक है, देख सकते हैं दोनों एसी जो है वो मेरा बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है। तो बात करते हैं कंक्लूजन की। तो भाई अगर आप MARQ के ऊपर जो है वो जाना चाहते हैं तो बिल्कुल जो है वो आप MARQ ब्रांड की एसी ले सकते हैं, कोई भी इसके अंदर इशूज़ नहीं आती है, काफ़ी चीप प्राइस में मिल जाती है। इसलिए लोगों को डाउट हो जाता है कि ये चलेगी नहीं चलेगी, बाकी बहुत सारे कन्फ्यूज़न होते हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप देख सकते हैं मैंने अपने दोनों एसीज़ के बारे में जो है आपको दिखा दिया। ठीक है, ये पहली वाली और ये दूसरी वाली। ठीक है, तो हर एसी में जो है वो अगर आप बात करें तो दोनों में मेरे जो है वो ये डिस्प्ले की प्रॉब्लम आई हुई है। इसके अलावा कोई दूसरी इश्यूज़ मेरे को आज तक इस एसी में देखने के लिए नहीं मिली, बिल्कुल परफेक्ट काम कर रही है और मैं 100% सेटिस्फाइड हूँ इस एसी से। ठीक है, तो अगर आप लेना चाह रहे हैं तो बेझिझक आँख बंद करके ले लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने अपने पूरे 5 साल का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया हुआ है। 5 साल में मुझे कोई भी दिक्कत आज तक नहीं आई और उम्मीद करूंगा कि आगे भी नहीं आई। जिस प्रकार से ये चलती है आगे भी मुझे कोई भी दिक्कत की तो जो है वो उम्मीद नहीं है इस एसी से। ठीक है, तो आपको जो है वो अगर इस एसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस होगा, ठीक है, तो आप नीचे कमेंट में करके हमको ज़रूर बताइए, हम 100% आपके कमेंट का रिप्लाई देंगे। और इस वीडियो को अगर जो है वो लाइक करके जाइएगा तो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे वीडियोज़ बनाते रहें। धन्यवाद।